MP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग अध्याय 2 आंकड़ों का प्रक्रमण डेटा प्रोसेसिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम आंकड़ों का प्रक्रमण में हम देखेंगे कि आंकड़े जटिल और द्रुत होते हैं, अतः उनके मान और मूल्यों का निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है और इस प्रकार से संख्यात्मक मापों के निर्धारण करने की विधि को आंकड़ों का प्रक्रमण कहते हैं और इसी के द्वारा कच्चे आंकड़े को सारणीयन और वर्गीकरण में प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के साथ साथ उन्हें बोधगम्य बनाने के लिए इस प्रकार की सांख्यिकीय विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, या कह लीजिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड है प्रकीर्णन की माप, या कह लीजिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। और तीसरा है सहसंबंध की माप, या कह लीजिए मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें वर्षा की मात्रा, ऊंचाई, आयु वर्ग और जनसंख्या के घनत्व को जानने के लिए इनके मूल्यों का मान ज्ञात करना होगा और इस प्रकार से मूल्य का मान वितरण के किसी एक छोर पर होने की अपेक्षा केंद्र के निकट होता है, अतः वह सांख्यिकीय विधियां जो वितरण का मान ज्ञात करने में प्रयुक्त होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के नाम से जानी जाती हैं। और इस प्रकार से सिंपसन महोदय के शब्दों में कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी ओर से अन्य संख्याएं केंद्रित होती हैं और केंद्रीय प्रवृत्ति को प्रकट करने वाली संख्या समस्त आंकड़ों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति को कई मापों का सांख्यिकीय औसत भी कहा जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं हम लोग और आगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को समझते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है माध्य, जिसको मीन कहा जाता है इंग्लिश में, और सेकंड है माध्यिका कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, और तीसरा है बहुलक, जिसे मॉड कहा जाता है। इस प्रकार से मीन, मीडियन, मॉड के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। और पहला जो है मीन, या कह लीजिए माध्य, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, विभिन्न मूल्यों वाले चर के साधारण अंक गणितीय औसत को माध्य कहते हैं। आंकड़े अवर्गीकृत तथा वर्गीकृत दोनों प्रकार के होते हैं, अतः उनका माध्य भी अलग अलग विधियों से ज्ञात किया जाता है। और इस प्रकार से काकस्टन के शब्दों में माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंक माला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। और इस प्रकार से माध्य ज्ञात करने की निम्न 2 विधियां हैं। पहला है का माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि और दूसरा है खा माध्य ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि। बाद आगे है माध्य की विशेषताएं। आइए देखते हैं माध्य की विशेषताएं। माध्य के निम्नलिखित गुणों से उनकी विशेषताओं
को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, आदर्श माध्य समंक श्रेणी का उचित प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है, एक आदर्श माध्य समंक श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होता है। तीसरा है, माध्य सरल बोधगम्य तथा सुगमता से समझा जाने वाला होता है। और चौथा है, माध्य की गणना सरल होती है। पांचवा है, माध्य का उद्देश्य व्यक्तिगत मूल्यों के समूह का सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना होता है। आगे है माध्य की उपयोगिता। माध्य की उपयोगिता में हम देखेंगे कि इसकी उपयोगिता इस प्रकार है, जिसमें पहला है, माध्य की उपादेयता समंकों का सरल और संक्षिप्त रूप प्रकट करने में झलकती है। और सेकंड है, तुलनात्मक अध्ययन करने में माध्य सर्वाधिक उपयोगी माध्यम है। और इस प्रकार से आगे है, सांख्यिकीय विधियों को पूर्णता प्रदान करने में माध्य बहुत ही उपयोगी है। और चौथा है, माध्य भावी योजनाओं के अनुमान लगाने और योजनाएं बनाने तथा उनमें क्रियान्वयन की नीति निर्धारण करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होता है। प्रकार से अब हम लोग माध्यिका या कह लीजिए मीडियन को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं, माध्यिका वह स्थितिक औसत है जहाँ वितरण में ऐसे बिंदु हों जिनके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान होते हैं। और डॉक्टर बाउले के शब्दों में इस प्रकार है कि यदि एक समूह के पदों को मूल्यों के आधार पर क्रमबद्ध किया जाए तो लगभग मध्य पद का मूल्य ही माध्यिका होगा। ठीक, और इस प्रकार से माध्यिका को प्रतीक यम के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम देखेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्यिका की गणना। इस विधि से माध्यिका को ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया जाता है। अब व्यवस्थित की गई श्रेणी से मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति ज्ञात करके माध्यिका की गणना की जाती है। और इस प्रकार से हम देखेंगे व्यवस्थित श्रेणी के एक सिरे से घटते या बढ़ते क्रम के अनुसार मध्यवर्ती मान निर्धारित कर लिया जाता है। इसकी गणना में निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो इस प्रकार है, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बराबर n प्लस 1 बटे 2 वाले पद का मान। ठीक, जानेंगे। और माध्यिका के गुण, माध्यिका में निम्नलिखित गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला है, माध्यिका एक स्थितिक माध्य होती है। दूसरा है, इसे समंकता का केंद्रीय मूल्य माना गया है। और तीसरा है, इसे आरोही तथा अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। और चौथा है, माध्यिका में एक भाग के सभी मान दूसरे भाग के मान से अधिक होते हैं। आगे है, इसके मूल्य सीमांत इकाइयों के मूल्य से कम प्रभावित होते हैं, इसमें गणितीय विवेचन करने की आवश्यकता नहीं। प्रकार से आगे हम देखेंगे माध्य की उपयोगिता। माध्य की उपयोगिता इस प्रकार है, पहला है, माध्यिका का निर्धारण सभी श्रेणियों से किए जाने के कारण यह उपयोगी है। और आगे है, माध्यिका में सरलता का गुण पाया जाता है क्योंकि मात्र समंक श्रेणी देखकर ही इसे ज्ञात किया जाता है। और आगे है, माध्यिका बिंदु रेखीय विधि से ज्ञात हो जाने के कारण विशेष रूप से उपयोगी होती है। और आगे है, माध्यिका बौद्धिक स्तर, स्वास्थ्य, निर्धनता आदि की माप करने की दृष्टि से बहुत उपयोगी होती है।
और इस प्रकार से आगे है, माध्यिका सदैव निश्चित और स्पष्ट होने के कारण बहुत उपयोगी होती है, अतः इसे विश्वसनीय माना जाता है। और इस प्रकार से आगे हम लोग अब बहुलक, या कह लीजिए जिसे मॉड कहा जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। आइए देखते हैं मॉड या बहुलक। श्रेणी में मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाला मान बहुलक कहलाता है। इसे जड या MO के संकेत से प्रकट किया जाता है। प्रोफेसर केनी के शब्दों में, सांख्यिकी में बहुलक उस मान को कहते हैं जो समंक माला में सबसे अधिक बार आता है, और बहुलक का उपयोग अपेक्षाकृत कम ही होता है। यह भी स्मरणीय है कि यह एक श्रेणी में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। और आगे है अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक की गणना विधि। अवर्गीकृत आंकड़ों से बहुलक की गणना करने में सभी मापों को बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं, अतः सर्वाधिक पुनरावृत्ति मान पहचाना जा सके। और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि निम्नांकित 10 विद्यार्थियों की भूगोल की परीक्षा के प्राप्त अंकों के लिए बहुलक ज्ञात करना, और ये सब उसके आंकड़े हैं। और आंकड़ों से इस प्रकार से उसको व्यवस्थित करने पर ये मिलता है कि आंकड़ों में 61 की सर्वाधिक 3 बार पुनरावृत्ति है, जो दी गई श्रेणी का बहुलक होगा, अतः इस श्रेणी में एक ही बहुलक है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे बहुलक के गुण। बहुलक में निम्नलिखित गुण या विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर एक है, बहुलक की गणना सीमित मदों से हो जाती है। और दूसरा है, बहुलक का प्रदर्शन रेखा चित्र से भी किया जा सकता है। आगे है, बहुलक सभी मानों पर आधारित होता है। आगे है, बहुलक को समझकर इसका प्रयोग करना सुगम है। आगे है, बहुलक मूल्य की सभी समंक श्रेणियों के अधिकतम मूल्य पर आधारित होता है। आगे है, समूह के अनेक नमूनों में भी बहुलक एक ही रहता है। और इस प्रकार से अब हम लोग बहुलक की उपयोगिता को समझने की कोशिश करते हैं। बहुलक की उपयोगिता इस प्रकार है, जिसमें पहला है, बहुलक बिंदु रेखा विधि से प्रदर्शित हो जाने के कारण उपयोगी है। आगे है, बहुलक को समझना तथा प्रयोग करना सुगम होने से यह उपयोगी है। आगे है, बहुलक की निकटवर्ती आवृत्तियों को देखकर जान लेने के कारण यह उपयोगी है। आगे है, चौथा, यह वह प्रतिनिधि मान है जिसका प्रभाव सभी लक्षणों पर पड़ता है जो इसकी उपयोगी होने का प्रमाण है। और इस प्रकार से ये मीन, मीडियन, मॉड की इसमें तुलना इस प्रकार से किया गया है। ठीक, और आगे हम चलते हैं, और आगे प्रकीर्णन के माप को देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का वितरण ही नहीं, वरन उसके लिए मूल्य अथवा मान केंद्र के परिप्रेक्ष्य में प्रकीर्ण करना होता है। और इसको सारांश में इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकीर्णन से आशय केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से लगाया जाता है। यह इकाइयों का ऐसा बिखराव है जो संख्यात्मक मान की विषमता या बिखराव की प्रवृत्ति का मापन करता है। और प्रकीर्णन को केंद्रीय मान से विभिन्न मूल्यों के बिखराव अथवा विषमता की मात्रा के रूप में जाना जाता है। और इस प्रकीर्णन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है, वितरण या श्रेणी संगठन की प्रकृति का ज्ञान। दूसरा है, वितरण की तुलना, स्थिरता अथवा समरूपता को जानने में सहायक। ठीक, प्रकीर्णन के मापन की विधियाँ।
प्रकीर्णन के मापन की निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पहला है विस्तार, दूसरा है चतुर्थक विचलन, तीसरा है माध्य विचलन, चौथा है मानक विचलन या और विचरण गुणांक, पांचवा है लारेंज वक्र। ठीक, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समस्त विधियां अपने विशेष गुण और सीमाएं रखती हैं, इसलिए सभी विधियों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मानक विचलन, मानक विचलन वर्ग का औसत वर्ग मूल्य होता है, जिसकी गणना माध्य के परिप्रेक्ष्य में की जाती है, जबकि मानक विचलन प्रकीर्णन की सर्वाधिक स्थिर माप है। आइए देखते हैं कोटि सहसंबंध। दो या दो से अधिक चरों के मध्य पाए जाने वाले संबंध को जानने की जिज्ञासा ही सहसंबंध कहलाती है। जो दो या दो से अधिक चरों के मध्य के संबंध की माप होती है। और इस प्रकार से आगे देखेंगे कि घटकों के परस्पर विचरण करने वाली संख्या चर कहलाती है, और इस प्रकार से सहसंबंध को दो चरों के मध्य अनुरूपता अथवा सहचर की प्रकृति की गहनता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अतः प्रकृति और गहनता का आशय दिशा एवं मात्रा से होता है। आगे है सहसंबंध की दिशा। तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि निवेश करने की स्थिति में तीन संभावनाएं होती हैं। पहला है निवेश बढ़ने से लाभ भी बढ़ता है, निवेश बढ़ने से लाभ कम भी होता है, और तीसरा है निवेश की मात्रा से लाभ बढ़ने की स्थिति धनात्मक सहसंबंध तथा लाभ घटने की स्थिति ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध। स्पीयरमैन ने कोटियों के आधार पर जो सहसंबंध की गणना विधि निकाली है, उसे स्पीयरमैन की कोटि गणना विधि कहा जाता है, जिसका सांख्यिकी में संकेताक्षर पी है, जिसे रो कहते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने आंकड़ों का प्रक्रमण या कह लीजिए डेटा प्रोसेसिंग के बारे में काफ़ी चीज़ों को सीखा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।